दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कार पलक सहायक की जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो 15/9/2018 को होने वाले हैं, यानी कि चार दिन आपके पास शेष बच गई। आज 11 तारीख है, इसी मंथ में इसका एग्ज़ाम होंगे, दरभंगा जिले में इसका एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि दरभंगा की तरफ से ये जॉब निकाली गई थी। चलिए आगे पूरी प्रोसेस हम लोग जान लेते हैं क्या है नहीं है, ठीक है। अब मैं आप लोग को दोस्तों बता देता हूँ, यहाँ पे पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो देख रहे हैं पूरा PDF, इसको आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे चलिए बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ऊपर में देख पा रहे हैं, अंडरलाइन में करके रखा हूँ, jagran.com पर जाएंगे, फिर यहाँ से आपका CET सेलेक्ट करेंगे और 10 तारीख का यानी कल का यहाँ पे डेट सेलेक्ट करके तीसरे नंबर पेज में आएंगे तो फिर आप देख पाएंगे यहाँ जो है दी हुई है ये न्यूज़। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर प्रेस लॉन्ग प्रेस करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर यहाँ से जो PDF देख रहे हैं इस PDF पर क्लिक करके पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए हम लोग बात करेंगे, मैं वहीं से इसको डाउनलोड किया हूँ, ठीक है। अब बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं कार पलक सहायक की जो परीक्षा है 15 को होने वाली है, ठीक है। इसमें 27 टोटल केंद्र बनेंगे, ठीक है, परीक्षा केंद्र। और आगे यहाँ पे लिखी हुई है, देख पा रहे हैं आप लोग, 15,749 आवेदन स्वीकृत किए गए यानी सिलेक्ट किए गए, ठीक है। और फिर 600 कार्यपालक सहायकों की होगी नियुक्ति, ठीक है। और यहाँ जो वर्क करेंगे 600 कार्यपालक यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएंगे जो जितनी भी एग्जाम से पास हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे दी हुई है पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ के लिए परीक्षा जिला अधिकारी, ठीक है, जिला अधिकारी के देख रेख में ये पूरी परीक्षा होंगे, ठीक। दोस्तों अब हम लोग देख लेंगे यहाँ पे क्या कुछ डिटेल में लिखेगी, हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सबसे पहले ऊपर देख पा रहे हैं यहाँ पे, जिले में संविदा के आधार पर कार्यपालक सहायक के नियोजन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस पद पर नियोजन के लिए प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के बाद व अभ्यर्थियों से प्राप्त दावा आपत्ति का निष्पादन करते हुए 15,749 अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 15,749 अभ्यर्थियों का यहाँ पे परीक्षा देने जाएंगे, ठीक है। उसमें से दोस्तों 334 अभ्यर्थियों का आवेदन को अस्वीकार किया गया, 334 जो है दोस्तों जो स्टूडेंट है उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट किया गया है दोस्तों, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आवेदन की अस्वीकृति का कारण सामान्यतः व अभिभावक की उम्र का अधिक होना या कम होना, या फिर मैट्रिक या कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ गड़बड़ी हुई है, ठीक है। इसलिए अगर आप वहाँ पे एक ऑप्शन होगा बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अगर वहाँ उस पर आप क्लिक नहीं किए थे तो फिर यहाँ पे आपका रिजेक्ट हो गया, और आपका उम्र यदि ज़्यादा हो गया होगा इसलिए इस फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया या फिर कम होगा, ठीक है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। उसके बाद दोस्तों देख लेते हैं आगे, डिप्लोमा संबंधित प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न नहीं होना था इसलिए उन्होंने ऐसा किया। उसके बाद दोस्तों जिन अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकृत हो गए हैं उनकी लिखित परीक्षा 15/9/2018 से स्टार्ट होगी। जिले में 27 परीक्षा केंद्र होगी जिसमें 1 घंटे की परीक्षा होगी दोस्तों, 2 बजे से आपका परीक्षा स्टार्ट होंगी, लेकिन 3 बजे तक आपका परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में 50 विकल्प होंगे, उसमें से 1 प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा, ठीक है। स्वीकृत आवेदन के संबंधित एडमिट कार्ड जिले की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जहां अभ्यर्थियों की सूची देख सकते हैं तथा अपना आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार मेगा सूची अनुरूप 1800 अभ्यर्थियों को कंप्यूटर दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर की दक्षता का परीक्षा भी 50 अंक की होगी। लिखित परीक्षा उनको कंप्यूटर दक्षता की परीक्षा में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर 600 अभ्यर्थियों को मेगा सूची पैनल में तैयार किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे बता रहे हैं इन लोगों ने कि आपको 2 परीक्षा होंगी, 1 परीक्षा तो आपको 50 पहले होंगी लिखित परीक्षा, फिर आपका कंप्यूटर के लिए बुलाया जाएगा। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं लास्ट में, दोनों में पास होने के बाद 600 स्टूडेंट को सिलेक्ट कर दिया जाएगा इस पैनल में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिला स्तर पर तैयार इन्हीं पैनल की विभिन्न कार्यालय की रिक्तीय अनुरूप कार्यपालक सहायकों की नियोजन किया जाएगा। दोस्तों इनका कहना है यहाँ पे जितनी विभिन्न कार्यालय पैनल है उसमें आपकी भर्ती की जाएगी, ठीक है, जितनी भी खाली पैनल है। उसके बाद जिला अधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इस परीक्षा के नियोजन से संबंधित अधिकारी को सभी तैयारी समय पर पूरा कर लेने एवं पारदर्शिता एवं निष्पक्षता के साथ लिखित एवं कंप्यूटर दक्षता की आयोजन का निर्देश दिया है। यहाँ की जो अधिकारी है उन्होंने बताया कि पूरी अध्यक्षता के साथ पूरे एकदम अच्छे से मतलब परीक्षा को क्लियर किया जाए, बस इस PDF में इतना ही कहा।
दोस्तों अब लास्ट में ही नहीं बताना चाहूँगा, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो फिर आप लोग लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह और भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब करके। और दोस्तों अब मैं आप लोग को बताऊँगा, 4 दिन आपके पास है तो जल्दी से इसका प्रिपरेशन कर लीजिए। क्या प्रिपरेशन करना है, सिलेबस में प्रोवाइड एक वीडियो में करवाया हूँ कंप्यूटर के लिए। दोस्तों इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड ही यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और सामान्य जो आपका जीके से जनरल अवेयरनेस, उससे आप थोड़ा बहुत पढ़ ले, अपनी बुक जो है उसी से पढ़ ले, ठीक है। ज़्यादा कुछ खास नहीं आने वाले हैं इस एग्ज़ाम में। और दोस्तों हो सके तो मैं एग्ज़ाम देने यहाँ पे नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मैं इसका फॉर्म नहीं भरा था, ठीक है। इसके बाद जितने भी फॉर्म आए थे कार्यपालक साक्षी की, सभी की मैं फॉर्म अप्लाई किया था, बस इसी डिस्ट्रिक्ट की नहीं किया था। तो जो अगली बार जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट की आएगी, मैं यहाँ पर एग्ज़ाम देने जाऊँगा और आपको पूरे पैटर्न के साथ आपको बताऊँगा कि कैसा क्वेश्चन सब आते हैं, और आपको वीडियो भी वहाँ पर लाइव दिखाऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो फिर आप लोग जुड़ जाए हमारे साथ, और कुछ सवाल हो आपके मन में तो फिर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बस इसी के साथ मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय।